आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र से जुड़ी कई बातें लोगों को गलत लगती हैं, तो कई लोग वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसी के अनुसार घर या ऑफिस का ढांचा तैयार करवाते हैं। यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी वास्तु के हिसाब से ही सजाते हैं। हिंदू धर्म में वास्तु का महत्व ज़्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको हिंदू वास्तुशास्त्र की बातें नहीं बल्कि चाइनीज वास्तुशास्त्र यानी कि फेंगशुई की बातें बताने जा रहा है, जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे घर के किस कोने में यह पौधा लगाने से आपके पास पैसे आएंगे व लंबी आयु का वरदान मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये बात करते हैं फेंगशुई में बांस का क्या महत्व होता है। बता दें कि चाइनीज वास्तुशास्त्र के अनुसार बांस को बहुत ही शुभ माना जाता है। फेंगशुई में बांस से बनी हर चीजों और पौधों का एक खास ही महत्व होता है। फेंगशुई में घर पर बांस के पौधे रखने पर सुख व समृद्धि आती है और साथ ही घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है। गौरतलब है कि एक खुशहाल घर के पीछे सकारात्मक एनर्जी बहुत अहम किरदार निभाती है, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाएं और आपका घर टेंशन फ्री हो, हैप्पी परिवार बन जाए। आगे वेद संसार आपको बताने जा रहा है कि आखिर घर पर बांस के पौधे रखने के क्या फायदे होते हैं। घर पर बांस के पौधे रखने के 5 मुख्य फायदे होते हैं। इनमें सबसे पहला है, फेंगशुई की माने तो घर के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी कोने पर बांस के पौधे रखने पर आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी होती है। जान लें कि ऐसा करने पर धन समृद्धि और लंबी आयु और तमाम तरह के लाभ आपको खूब मिलते हैं। कोशिश करें कि आप अपने घर पर बांस का पौधा अवश्य ही रखें। सिर्फ रखें ही नहीं बल्कि उसकी सच्चे मन से देखरेख भी करें। ध्यान रहे कि फेंगशुई में पौधे की संख्या का महत्व खास माना गया है। चीनी फेंगशुई शास्त्र के अनुसार विषम संख्या वाले पौधे लगाने से सुख और शांति जरूर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 बांस खुशी के लिए होते हैं, तो 5 बांस धन और समृद्धि पाने के लिए, वे 9 बांस के पौधे सौभाग्य के लिए शुभ माने जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार घर में बांस को रख सकते हैं और फिर इसे लाल रिबन में बांध कर कांच के जाल या बर्तन में डालकर आप इसे रख सकते हैं। बांस के पौधे को ऑफिस की टेबल पर दाहिनी तरफ रखना चाहिए, क्योंकि यह तभी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो स्टडी टेबल पर भी आप बांस के पौधे रख सकते हैं, क्योंकि यह सफलता दिलाने में मदद करता है। यही नहीं, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके जीवन साथी के साथ आपकी किसी तरह की खटपट चल रही है, तो आप अपने शयन कक्ष में 2 बांस के पौधों का जोड़ा अवश्य से रखें। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे फेंगशुई के फायदे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या फिर आपको लगता है कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।